मथुरा की श्री सर्राफा कमेटी द्वारा अपना वार्षिक सेल महोत्सव छटीकरा स्थित गरुड़ गोविंद मंदिर पर मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने भगवान गरुड़ गोविंद का फूल बंगला, छप्पन भोग और भंडारा भी आयोजित किया। मथुरा की सर्राफा व्यवसायियों का संगठन श्री सर्राफा कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को वृंदावन के गरुण गोविंद मंदिर में वार्षिक सेल महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस बार ये आयोजन बुधवार गत वर्ष की भांति आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान सर्राफा कमेटी ने सर्वप्रथम भगवान गरुण गोविंद को भव्य पोशाक अर्पित की, छप्पन भोग लगाए और आकर्षक ढंग से फूल बंगला भी सजाया। इस मौके पर भजन संकीर्तन के कार्यक्रम भी मस्ती के साथ हुए और कार्यक्रम का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ, जिसमें सर्राफा व्यवसायियों के परिवारजन, शहर के गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन के संबंध में श्री सर्राफा कमेटी के महामंत्री राजकुमार अग्रवाल और परशुराम शोभा यात्रा समिति के संस्थापक राम गोपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्राफा व्यवसायी धूमधाम से होली महोत्सव मनाते हैं और उसके बाद अपने प्रतिष्ठानों को खोलने से पूर्व पंचमी के दिन गरुण गोविंद मंदिर पर भंडारा करते हैं। उसके बाद ही वो अपने प्रतिष्ठानों को विधिवत रूप से खोलते हैं। ये सर्राफा कमेटी का सेल महोत्सव लगातार विगत काफी वर्षों से चलता चला आ रहा है। हमारे सर्राफा व्यवसाय में ऐसी मान्यता है कि होली की पंचमी को ये भंडारा करने के बाद ही हम लोग अपनी दुकानें खोलते हैं और हम लोग अपने व्यापार को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मंगल कामना के साथ, जिससे कि हमारी हर साल जो है कुशल में, सुख में और शांति में हो। तो ये करते चलाए आ रहे हैं और ठाकुर जी ने चाहा तो निरंतर करती रहेगी सर्राफा कमेटी। ये हमारा सेल महोत्सव है सर्राफा कमेटी चौक बाजार मथुरा का। ये 85वीं वर्ष से ये हो रहा है। इसमें करीब करीब 15,000 लोग इसमें भोजन पाते हैं और यह एक विशाल वो है। और जो गढ़ गोविंद महाराज हमारे कुल देवता हैं, जो भी सर्राफे का व्यक्ति काम करता है उसके कुल देवता होते हैं गढ़ गोविंद महाराज, और इनकी आज इतनी वो हो गई है मान्यता, पूरे ब्रज क्षेत्र में गढ़ गोविंद महाराज की बहुत बड़ी मान्यता हो गई है।